और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले सिंहासन के लिए मंथन चल रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। एबीपी और आज तक न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 94, कांग्रेस को 126 और अन्य को 10 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। असली नतीजे जो आएंगे वो 11 दिसंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेंगे। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि मध्य प्रदेश का महाराजा कौन है। तो अब देखना होगा कि आखिर 11 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है, और कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी में 50-50% जो हैं वो चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 11 तारीख को क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन ये खबर कांग्रेस के लिए थोड़ी अच्छी हो सकती है, थोड़ी क्या बहुत अच्छी हो सकती है। और क्योंकि जो भी एग्जिट पोल आए हैं, अब हम रीजन वाइज अगर बात करें तो वहां पर मालवा नॉर्थ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 33, कांग्रेस को 29, अन्य को 1, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, 63 विधानसभा सीटें हैं यहां पर। चंबल की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 10, कांग्रेस को 21, अन्य को 3 सीटें मिल रही हैं। इस तरह से महाकौशल की बात करें तो बीजेपी को 21, कांग्रेस को 26 और अन्य को 2 मिल रही हैं। महाकौशल में 49 विधानसभा सीटें हैं। विंध्य की अगर बात करते हैं तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 20, कांग्रेस को 33, अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ रवि सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रवीण नापित जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एके मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, अश्विनी मिश्रा जी हैं संपादक हैं मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अश्विनी जी, ये जो आज एग्जिट पोल सामने आया है, क्या कहा जाए, सबसे पहले टिप्पणी आपकी। मेरे दोनों साथी जो आजू बाजू मेरे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से, नावेद जी और रवि सक्सेना जी, जी दोनों ही खुश होने की स्थिति में हैं। कांग्रेस के लिए बहुत समय बाद इस तरह का मौका मिला होगा जब एग्जिट पोल के नतीजे उनके लिए इतने सुखदायक रहे होंगे कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कांटे के मुकाबले में वो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की एक वेव की बात लोग कहते हैं कि अक्सर इलेक्शन जब पलटता है तो उसमें किसी एक वेव की संभावना देखी जाती है कि कोई एक लहर होगी जो इस इलेक्शन को पूरी तरीके से पलट देगी। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर जिस पिछले 4 सालों के दौरान मैंने कोई भी एक ऐसी वेव, एक ऐसी लहर अभी तक देखने को नहीं मिली है। इसलिए एग्जिट पोल में जो होने वाले निर्णय हैं, निश्चित तौर पर अभी जिस तरह के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोगों से बातचीत हो रही है, तो मंदसौर के गोलीकांड पर जो किसानों के ऊपर हुआ उसकी बातचीत और चर्चा ज्यादा होती है, और साथ ही साथ जो हमारे जो ग्वालियर चंबल जो मध्य प्रदेश में एक एरिया है, जो प्रमुख एरिया है, वहां पर जो दलित आंदोलन हुआ था और उसमें जिस तरह से लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, और अजाक्स और सपाक्स, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अभी तक की जो स्थिति है वो कांटे के टक्कर की है। आप आज तक के सर्वे की बात करें तो आज तक जो एक प्रीमियम न्यूज चैनल है उसने अभी तक किसी भी को भी विजयी घोषित नहीं किया है, और मार्जिन उन्होंने बहुत ज्यादा अपना रखा हुआ है, 102 से 120 और 104 से 122। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जिसमें मध्य प्रदेश में सत्ता का जो संघर्ष है वो और जो उसके जो शिखर है उस पर कौन पहुंचेगा ये आने वाला टाइम बताएगा। वहीं दूसरे अगर हम चैनल्स की बात करें, इंडिया टीवी और टाइम्स नाउ की बात करें, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को दी है, और उसके पीछे उनके जो आंकड़े और तथ्य हैं वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पीछे एक प्रो इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी उनको नहीं दिखाई दी। अब इसमें बड़े अलग अलग तरीके से बहस हो सकती है, अलग अलग तरीके से चर्चा हो सकती है कि कहां किसने किस तरीके आंकड़ों को और सर्वे को तवज्जो दी है, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के लिए अभी वो 4 दिन बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। दोनों ही अपने अपने पोर्टफोलियो बांट सकते हैं, अपनी पार्टी से अपनी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका तय करा सकते हैं, और अपनी खुशी के लड्डू दोनों ही पार्टी के जो हमारे नेता हैं, हाँ। जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो भी, और जो स्टूडियो के बाहर हमें देखते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर इन सर्वे के माध्यम से देखी जा सकती है। रवि सक्सेना जी से पूछ लेते हैं कितने खुश हैं वो इन सर्वे से, ये एग्जिट पोल से। रवि सक्सेना जी खुश हैं? हंसी तो आ रही है आपको, खैर खुश हैं आप?
अब ईवीएम के बाद अच्छी हंसी है। अनुज जी मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, मिजोरम में भी हमारी सरकार ही बनेगी। तो ये 4-1 का जो हमारे सामने अभी एक निकल कर आया है सर्वे में, अभी जो सीटें हमें दिखाई जा रही हैं, जो कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 140 तक पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से हम 140 से ऊपर ही आएंगे। ये मैं आज आपके चैनल पे कहके जा रहा हूं, पहले भी कहा था अग्रवाल, नहीं नहीं अग्रवाल साहब को मालूम है, मैं उनसे साथ डिबेट में था तब मैं कह के गया था कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार बनने जा रही है, और इसलिए बन रही है कि जिस तरह का घमंड, जिस तरह का अभिमान और जिस तरह से लोगों को कुचलने की, उनको शोषण करने की जो प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में आई है, जिस तरह से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को और यहाँ के मजदूरों को इस पार्टी ने ठगा है, लगातार झूठी घोषणाएं कर करके लोगों को एक कर्ज माया जाल में उलझा दिया है। सरकार बन रही है, ठीक है, रुपए का कर्जा। एक बार को हम भी मान लेते हैं कि आपकी सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में आधा घंटे में आपको मिल जाएगा, आधे घंटे में। आपको एक बार पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी आधा घंटे में, आधा घंटे में, ठीक है, आधा घंटे में जैसे ही हमारी विधायकों की मीटिंग होगी, आधा घंटे में आपको चलिए सर देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है। देखते और हैं आज सबको मालूम है 11 तारीख को मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, ठीक है, 11 तारीख को आप मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करते हैं या फिर वो नौबत ही नहीं आती। मैं तो आज आपको कह रहा हूँ, आज आपको कह रहा हूँ कि सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, महाकौशल से या चंबल से बता दीजिए जी। मुझसे बिल्कुल महाकौशल से आएंगे या चंबल से आएंगे? नहीं मैंने तो आपको कहा या जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी कहा जी कि सबको मालूम है, हमें नहीं मालूम है, हमें बता दीजिए, मालूम है सबको, खबर हो गई, सबको मालूम है, हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए। अब सब आप लोगों को मालूम है, आप लोग तो धुरंधर हैं, आपको हर चीज को मालूम है, मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, इशारों को अगर समझो ठीक है, तो बस समझ राज को राज रहने दो। सर ये इशारे ही तो समझ में नहीं आते, दिक्कत यही है। प्रवीण नापित जी, खुशी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दिख रही है, आज वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। नहीं ये तो शुरू से इन 15 सालों में ये तो आता ही है, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, जो जहां पर रुकना है उससे आगे निकल जाते हैं, बाद में सोचते अरे ये क्या हो गया। देखिए क्या है कि चैनल में जैसे कहा ना कि अश्विनी जी ने कहा कि कुछ चैनल हमको दे रहे हैं, कुछ चैनल उनको दे रहे हैं, जनता के बीच में इनको फ्लोट नहीं मालूम है कि युवा मतदाता था उसने कहां वोट किया, महिलाओं ने कहां वोट दिया, किसानों ने कहां, एक इन्होंने भ्रम पाल के रखा कि किसान को हमने कुचक्र चलाया है। और इन्होंने 10 दिन का एक आह्वान किया था, मैं इनका मिथक तोड़ रहा हूं, मैं अनुज जी अगर मूल्य क्योंकि ये लगातार ये लगातार बोलते रहे, इनका एक मिथक इन्होंने कहा था इस प्रदेश में 10 दिन सब बंद रहेगा, दूध नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, मुश्किल से 24 घंटे नहीं हो पाए थे अनुज जी, कहीं कुछ नहीं हुआ, इनका भारत बंद, मध्य प्रदेश बंद, देश में कहीं कोई लागू नहीं हो पाया। ये इन्होंने इंदौर में मेड इन चित्रकूट में, मेड इन जबलपुर, इन्होंने मोबाइल बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने खुश नजर आ रहे हैं वो, मोबाइल, ठीक है। मैं आता हूँ आपके पास, एके मिश्रा जी, मैं आपके पास आखिर में इसलिए आ रहा हूँ कि आप पहले राजनीतिक विश्लेषक हैं और पहले जो हमारे नेता लोग हैं उनकी बातें सुन ले फिर अपनी राय दें। क्या लगता है आज के सर्वे को देखने के बाद, एग्जिट पोल को देखने के बाद? देखिए ये एग्जिट पोल जितने हैं, मैं एक बहुत आपको एग्जांपल दूंगा, कर्नाटक इलेक्शन में भी लगभग सारे मीडिया ने बोल दिया था कि कांग्रेस के जो सीएम है वो फिर से बन रहे हैं जी। देखिए सही भी होते हैं गलत भी होते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, 5 करोड़ के वोटर हैं और 5 करोड़ में कितने लोगों का सैंपल साइज होता है सर, 1 लाख भी मेरे ख्याल से शायद किसी का नहीं पहुंचता है, 10,000, 15,000, 50,000, 500। हाँ तो ठीक है, ये सही भी हो सकते हैं गलत भी, यहाँ डायनामिक्स देखिए, डाटा ओरिएंटेड मत देखिए। मैं बोलता हूं कि इन सारे उसमें क्लियर कट लहर ना बीजेपी की दिखी, वेब ना कांग्रेस की दिखी। अब सवाल ये है
कि बीजेपी को तोड़ने के लिए जितनी मेहनत या जो रिसोर्सेज या जो इफेक्टिविटी चाहिए, इफेक्टिवनेस, क्या कांग्रेस ने या अपोजिशन ने किया, वो भी हमें नहीं दिखता है। बीजेपी का और कांग्रेस का गैप इतना ज्यादा है, 60 सीटें 70 सीटें जो है उसको बीजेपी, अगर मान लीजिए बीजेपी की परफॉर्मेंस कम होती है तो 60-70% सीटों का यानी 50% 40% सीट डाउन होना बीजेपी जैसी होशियार पार्टी उसके लिए ये मुश्किल है। ठीक है, वो 60 सीट का जो है ज्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, 20 से ले जीत जाएंगे, 15 से जीत जाएंगे, या बॉर्डर लाइन का केस रहेगा। टफ अब की बार ये बीजेपी के लिए भी होगा। ओवरऑल यहां पे ये होगा कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी कि इन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, इसलिए बढ़ेगी क्योंकि बीजेपी का ऑलरेडी एक नेचुरल डेंट लगा हुआ है, ये परफॉर्म नहीं कर पाए, 4 सालों में अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ इनके स्टेट गवर्नमेंट की नाकामा भी है, असंतोष है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, जिसके कारण इनका नंबर ऑफ सीट्स या आप ये देखिए परसेंटेज ऑफ वोट ये बढ़ेगा। लेकिन क्लियर कट मुझे कि जैसे क्लीन स्वीप हो जाए, क्लियर कट ये मेजोरिटी में आ जाए, इसके चांसेस बड़े कम है। क्या दिखाई देती है? देखिए इसका दिखाई ये देता है कि ये जैसे आपका देखिए कर्नाटक में हुआ या आप गुजरात में देखिए कि 5-10 सीट 15 सीट भी, मतलब 10-15% अगर आप ये देखें, वहां तो कुमार स्वामी बन गए सीएम, यहाँ क्या बीएसपी रोल निभाएगी? नहीं नहीं, अबकी देखिए रोल निभाएगी, लेकिन अबकी देखिए बीजेपी बड़ी होशियार है, एक बार इन्होंने गलती कर दी कर्नाटक में, अबकी बार ये पूरी तरीके से तैयार होके बैठे होंगे कि अगर बॉर्डर लाइन का केस आता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें, ये तैयार है। एक चीज आपको और बता दूं, देखिए मैं इसलिए भी बोलता हूं कि कांग्रेस, हालांकि कोई भी जीते मुझे उससे फर्क नहीं है और सबको मैं अभी से बधाई देता हूं, मैं तो ये बोलूंगा कि सर मेरे घर भी 2-2 किलो लड्डू भिजवा दीजिए सारी पार्टियां। सवाल ये है बीजेपी क्यों जीतेगी? देखिए आप कठिन से कठिन सर्जरी, हर्ट की सर्जरी करिए, लेकिन आपके अंदर अगर दक्षता है, इफिशियंसी है मैनेज करने की, तो आप सक्सेसफुल कर ले जाएंगे। आप ऐसे देखिए बीजेपी बड़ी रिसोर्सफुल है, बड़ी अच्छी इनके पास टीम है, तो टफ से टफ सिचुएशन को भी ये मैनेज कर ले जाते हैं। यही रीजन है कि कर्नाटक में जहां ये बिल्कुल भी नहीं थे, 103-104 पे पहुंच गए। कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाती? नहीं देखिए, कांग्रेस क्लियर कट गवर्नमेंट बनाने की जो मेजोरिटी लेने वाली बात होती है, तो 2014 से अगर देखेंगे तो नहीं कर पा रही है, एक दो अपवाद को छोड़ के। अब बीजेपी की परफॉर्मेंस देखिए हर जगह, ये मेन आप यूपी देखिए ना, अगर यूपी जैसे उसमें जहां पे सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन, यूपी में तो कांग्रेस थी नहीं, मतलब नहीं, समाजवादी पार्टी कॉम्पिटिशन जो था बीजेपी को समाजवादी पार्टी और बसपा से मिलने वाला था, कांग्रेस से नहीं था। यहां बसपा और इन सबसे समाजवादी पार्टी नहीं, यहां कांग्रेस है। और कांग्रेस में देखिए अगर ओवरऑल देखें, एक पाई चार्ट बनाए उसमें सैकड़ों जो है फैक्टर होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस अच्छी नहीं है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की रेट में नेशनल लेवल पे कांग्रेस का। रिएक्शन लेते हैं, रवि जी का रिएक्शन लेते हैं। रवि सक्सेना जी, मैनेजमेंट, आता हूं मैं आपके पास भी आता हूं। रवि जी, यहां पर मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा अच्छा है? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई, उनके पास बहुत धन बल है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, और करोड़ों अरबों रुपए की रैलियां हो रही हैं, और पूरे अखबारों में 5-5 पेज छप रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो इतना ही छाप पाई, हमारे पास तो है नहीं। आप माफ करो, महाराज के रहते महाराजा कौन था वो सबको मालूम है। इस मध्य प्रदेश की जनता और इस देश की जनता समझती है सर, यहाँ मिश्रा जी की बात, देश की जनता समझती है। आप जैसे लोग चाहे कितना भी बैठ के बात कर लें, पर एक बात समझ लीजिए, इस देश की जनता समझती है। आपको मालूम नहीं है कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई है, और हमने मैनेजमेंट बनाई है सर, एमपी की समझ लीजिए, पंजाब में हमने सरकार बनाई है। आप जीते, आप सरकार नहीं बनाते, गुजरात हमारी आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं उसकी तरह बात कीजिए। मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूँ, आपकी बात सुन के सबको लग रहा है ये तो नापेद जी हो गए सर। देखिए आप सुनिए, आपका 70 साल का अनुभव है, काम कीजिए सर, 70 साल का अनुभव है, और संसद में 70 सीट नहीं है, राजनीतिक रूप से
हम लोग अनैतिक तो आपके मैनेजमेंट को मैनेजमेंट हम सम्मान करते हैं, ठीक है, जनता का हम सम्मान करते हैं, अश्वनी जी जनता के मैंडेट का और यूपी ने किया था, मैंडेट दिया है किसका मैनेजमेंट अच्छा था किसका अच्छा नहीं, और आप देखेंगे नहीं अश्वनी जी आगे निकलते हैं, अश्वनी जी के पास आते हैं, ठीक है सर, रवि जी आपने जी जी बिल्कुल बिल्कुल चारों प्रदेशों में बनेंगी और फिर मैं आपसे आगे आगे बात करूंगा। अश्वनी जी अब आगे आपको किस तरह की तस्वीर दिखाई देती है, कांग्रेस यहां तो 50-50 का मार्जिन दिखाई दे रहा है कि 50 ये 50 ये, आता कौन है सत्ता में 11 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत और भी ज्यादा, अगर वो सत्ता में आती है तो आगे आने वाले वक्त में उसके लिए अब जो गृह युद्ध होगा ना वो देखने वाला होगा कि आगे क्या होता है। नहीं देखिए मैं अनुज जी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 2018 का जो चुनाव होगा चाहे राजस्थान हो छत्तीसगढ़ हो इन तीनों को एक तरीके से आप एक लिटमस टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। अगर आप बात आज के समय में नोटबंदी और जीएसटी की करें तो नोटबंदी और जीएसटी के बाद बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए अब जनता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव या वोट देगी वो सारे मसले अलग हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। अब जो सबसे बड़ी बात होती है कि मध्य प्रदेश में अगर चुनाव होता है और मध्य प्रदेश में अगर लोग बैठते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का जो आलाकमान है वो यहाँ से बात करेगा, विधायक दल की बैठक और ये सारी भूमिकाएं तो एक कहने वाली और चर्चा के केवल विषय हैं, राहुल गांधी जिसको तय करेंगे और ये सारी चीजें जब यहाँ पर भेजा गया था कमलनाथ जी या सिंधिया जी को तो उस वक्त भी ये सारी चर्चाएं रही होंगी कि आखिरकार इस सारी हार का ठीकरा और जीत का सहरा किसके सिर पर बांधा जाएगा और किसके सिर पर फोड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनमें से अंदर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी से कमलनाथ जी और सिंधिया जी के जो समर्थक हैं वो निश्चित तौर पर अपने अपने दावेदारी करना चाहते हैं और अपने जो सत्ता शीर्ष पर उनके बैठे लोग हैं उनके साथ एक ऐसा मैनेजमेंट स्किल बनाना चाहते हैं कि ताकि उनकी भी जिम्मेदारी उतनी बढ़ करके आए और सत्ता में बैठने के बाद, क्योंकि 15 साल का वनवास बहुत बड़ी बात होती है अनुज जी, अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक ऐसी जीवनदान और संजीवनी जैसा होगा कि कांग्रेस में दोबारा से पुनः ऊर्जा का संचार होगा और कांग्रेस यहाँ से जो 2018 से शुरू होगी 2019 में, मैं अनुज अपनी 30 सेकंड में बात खत्म करना चाहता हूँ, 2019 का जो चुनाव है मोदी का जो चुनाव है मोदी वर्सेज जो राहुल का चुनाव होगा उसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इन तीनों चुनाव की भूमिका बहुत रहने वाली है, चाहे वो पक्ष कांग्रेस के में हो चाहे वो पक्ष भारतीय जनता पार्टी में हो, उसकी सबसे बड़ी ये है कि अभी तक मोदी जी की जो सरकार बनी है 2014 में वो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया से बनी है। आता हूं मैं आपके पास प्रवीण जी, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं मैं जान रहा हूं, एके मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। नहीं देखिए मैं ये बोलता हूँ 2014 के बाद जो इलेक्शंस हैं सर बहुत कुछ चेंज हो गया है, डायनामिक्स इसका बड़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट होने लगा है, सारी चीजें होने लगा है। मेरे कहने का मतलब ये है सबसे ज्यादा स्कोप अगर देखा जाए, भाई बीजेपी को अगर कोई रिप्लेस करेगा पैन इंडिया लेवल पे तो कांग्रेस ही करेगी, क्षेत्रीय या रीजनल पार्टियां तो करेंगी नहीं ना, बसपा तो हर जगह से चुनाव लड़ेंगी नहीं। सवाल ये है कि जिस हिसाब से बीजेपी परफॉर्मेंस कर रही है आप उनकी दक्षता को देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस जीत जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पार्टियों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि किसी चैलेंज को मैनेज करने की क्षमता किसके अंदर है तो ये पुराने रिजल्ट बताते हैं। और मुझे लगता है कि मुश्किलें बीजेपी के लिए डेफिनेटली बढ़ेंगी, लेकिन कोशिश देखिए बीजेपी वैसे भी इन दोनों तीनों स्टेट को अपने हाथ से नहीं जाने देगी कैसे भी करके, हाँ तो इन्होंने भी बहुत अच्छी कैंपेनिंग वगैरह सारी चीजें की होंगी, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक पैरामीटर है, केवल इमोशन बेस पे बोल देना भाई वो तो हर कैंडिडेट बोल रहा है, जितने लोग चुनाव लड़ते हैं सब बोलते हैं जी हम जीतेंगे, साइंटिफिक मेजर्स बताएंगे आपके डायनेमिक्स क्या बताएंगे, क्या गुंडागर्दी करेंगे, धनबल से खरीदेंगे, क्या करेंगे विधायकों का अपहरण करके ले जाएंगे, क्या करेंगे, क्या आपके डायनेमिक्स क्या हैं, श्रीमान जी आपके डायनेमिक्स तो बता दीजिए, मैं डायनेमिक्स बता दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं डायनामिक्स बता दूंगा आपको, आपके जब मैं कांग्रेस की डायनामिक्स बताने के लिए बैठूंगा ना, ऐसा कर दीजिए जब मैं कांग्रेस की डायनामिक्स बताने के लिए बैठूंगा सर, आपका आपको डायनामिक्स नहीं है सर, डायनामिक्स आप हार रहे हो, एक आध तो बता डायनामिक्स की बात कर रहे हो सर, अरे 25 साल से आप यूपी में जहां से कांग्रेस के लोग
कई सर्वे ऐसे आए हैं, कई गुंडे करेंगे, कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, रवि जी ठीक है, क्या करेंगे रवि जी, बोलिए आपने अपनी बात, रवि जी को बोलने दीजिए, हमने शुभकामना आपको पहले ही दी, एक मिश्रा जी ठीक, मुझे अपनी बात कहना, हाँ आप कहिए, देखिए मिश्रा जी मैं बता रहा हूँ, मिश्रा जी आपकी बात को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये क्या है कि अनुज जी ने इनको थोड़ा सा बधाई दे दी, तो फिर अब ये सुनने को तैयार नहीं है कि क्या होगा, सर बधाई हम 11 तारीख को देंगे, आज नहीं दी, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, आपको मुस्कुराने की बात की थी, मिठाई खाने की, तो थोड़ा सा ओवरडोज हो गया है, अब वो किसी को नहीं सुनेंगे, अब वो तलवार दो धारी है, वो इधर भी चलेगी उधर भी चलेगी, जी अपनी बात रखिए, सर्वे पे आते हैं, टॉपिक्स पे लौटते हैं, मैं बता रहा हूँ, विंध्य में कांग्रेस का कोई परफॉर्मेंस नहीं, मध्य भारत में कांग्रेस का कोई, इनके जो स्टार प्रचारक थे खुद सिंधिया जी, वो गुना और ग्वालियर के अंदर ही रह गए, बाहर कहीं नहीं निकल पाए, यानी भोपाल में तक वो सभा ले नहीं पाए, कमलनाथ जी का पता नहीं था, किसी ने उनकी सभा मांगी नहीं मांगी, राहुल गांधी जी की कितनी डिमांड थी मुझे नहीं मालूम, देखिए विकास की बात ये करना भूल गए, तो सीटें ऐसे ही बढ़ रही हैं, सुन लीजिए, अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या सुन लीजिए बढ़ रही हैं, अरे सुन लीजिए अपनी मर्जी से ही बढ़ रही, सुन लीजिए अगर हम कुछ कर नहीं पाए हैं, अरे सुन लीजिए कम हो गई है, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, आपको तमीज नहीं है बात करने का, कम हो रही है, आपको तमीज नहीं है, बात नहीं कर रहे हो, आपको तमीज नहीं है बात करने का, यही काम कर पाए, आपकी सीटें कम कर पाए, आप प्रवक्ता की दहलीज को लांघते हो, आप तहजीब सीखिए, आप तहजीब सीखिए, तो भाई यही काम कर पाए, यही कर, मैं बता रहा हूँ आपको, टाइम पूरा हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम पूरा हो रहा है, यहाँ पर ये रहते हैं, टाइम पूरा हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ, रवि सक्सेना जी, अश्वनी जी, एके मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, दोनों ही नेता नाराज ना हो, 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें देखेंगे कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन किसको मिठाई खिलाता है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, आप देख रहे थे जो कहूंगा सच कहूंगा, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।